गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर्स के ऊपर। आज हम 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल थे, एट प्रेजेंट वो 12 हो गए हैं। तो 9th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो इसका ऐड करना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि तब एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे और उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा अपील्स हो रही थी। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स को कंटिन्यू रखने के लिए उनके रिलेटेड जो लॉज थे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जुडिशियल रिव्यू से, ताकि उनकी जुडिशियल सिक्योरिटी ना हो सके, तो सरकार ने 9th शेड्यूल जो है इसका इसको बनाना उचित समझा था उस समय। तो रिसेंटली ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो SC ST एंड OBC कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने डिमांड की थी कि जो रिजर्वेशन प्रोविजन है उनको 9th शेड्यूल में ऐड किया जाए। तो ये उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रेडिक्ट्स दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन इन जॉब एडमिशन एंड प्रमोशन जो है वो सब जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि रिजर्वेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो 9th शेड्यूल है क्या? ये ऐसे स्टेट और सेंट्रल लॉज की लिस्ट को कंटेन करता है जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट को इंफ्रिंज क्यों ना करते हैं। तो 9th शेड्यूल जो है इसको फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुई थी 1951 में उसके द्वारा ऐड किया गया था। एग्रेरियन रिफॉर्म्स के रिलेटेड जो लॉज थे उनको जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचाने के लिए, साथ में जो जमींदारी सिस्टम है उसके रिलेटेड उसको एबॉलिश करने के रिलेटेड जो लॉज बनाए थे उनको उनकी भी जुडिशियल स्क्रूटिनी ना हो सके, इसलिए इसको बनाया गया था। तो बिकॉज जब ऐसे लॉज सरकार ने बनाए थे, भूमि सुधार रिलेटेड लॉज बनाए थे, तो उनको UP बिहार और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट्स पे काफ़ी बार चैलेंज किया गया था। तो इसीलिए सरकार को ये 9th शेड्यूल का गठन करना पड़ा। तो जो तमिलनाडु की जो अभी 69% रिजर्वेशन है वो भी इसी के अंडर प्लेस की गई है। इनिशियली इसमें 13 लॉज थे, अब इसमें 284 लॉज हो चुके हैं। तो ये लिस्ट बढ़ती ही जा रही थी, तो इसलिए केशवानंद भारती केस की जो वर्डिक्ट आई थी 24 अप्रैल 1973 में, तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो थी उसमें ले डाउन की थी। तो इसमें कहा गया था कि कोई भी लॉ जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करता है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसके बाद आई IR Cillo वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस की वर्डिक्ट, और उसमें कोर्ट ने कहा कि जो 9th शेड्यूल में लॉज हैं वो भी ओपन हैं जुडिशियल स्क्रूटिनी के। इसमें कोर्ट ने ड्यूल टेस्ट जो है उसकी डॉक्ट्रिन को ले डाउन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो प्रकार के टेस्ट लेने चाहिए किसी भी लॉ के, पहले ये देखना चाहिए कि क्या वो वायलेट करता है किसी फंडामेंटल राइट को, अगर वो उल्लंघन करता है किसी फंडामेंटल राइट का फिर देखना चाहिए कि क्या वो डैमेज करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, जो कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन बताई थी। तो अगर इन दोनों का आंसर यस है तो उस लॉ को चाहे वो 9th शेड्यूल में है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर।